Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi, I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज़? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या इक्वेशन चल रहा है, क्या कनेक्शन है उन दोनों का भी इस वक्त, वो हम चेक करेंगे गाइज. सो स्टे ट्यून्ड. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, साथ ही में एक घंटी बनी होगी उस पर क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग पोस्ट करूँ आपके पास उसकी अपडेट आए. मैं धीरे धीरे समझा देती हूँ. जिन लोगों को नहीं पता, सब्सक्राइब का चैनल आप प्रेस, सब्सक्राइब का बटन आप प्रेस करिए और उसके बाद बेल आइकन एक घंटी सी बनी होगी उस पर जाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑल को प्रेस करना है, जिससे कि जब भी मैं पोस्ट करूं कुछ भी आपके पास नोटिफिकेशन आए, मैं कोई वीडियो पोस्ट करूंगी, मैं कोई भी अपडेट आपको वहां पर देना चाहूंगी, तो आपके पास उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा. आपके लिए भी इजी रहेगा और मैं आप ही के लिए सब चीज़ें डालती हूं. तो मैं चाहती हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर कुछ सीख पाएँ, ले पाएँ, समझ पाएँ, उनको हेल्प हो पाए, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए. दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ज़रूर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब ये कि आपने इस रीडिंग को शेयर करना है. जो भी मैं रीडिंग पोस्ट करूँगी, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ उस रीडिंग को शेयर करना है और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कैसी लगी है आपको ये रीडिंग. सो प्लीज जुड़े रहिए, रीडिंग शुरू करते हैं. आपके और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या इक्वेशन चल रही है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, सॉरी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या इक्वेशन चल रही है. थैंक यू सो मच. आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या इक्वेशन चल रही है, क्या कनेक्शन चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, वो सब हम देखेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. फर्स्ट कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आया है. द हाई प्रीस्टेस सेकेंड कार्ड, फोर ऑफ वॉन्स थर्ड कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एट ऑफ पेंटिकल्स. सो गाइज, यहाँ पे मुझे दिख पा रहा है कि सबसे पहले साइंस डिस्कस कर लेते हैं. आप या ये जो सॉरी आपके पर्सन या थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न से दिख रहे हैं, एरीज लियो सजिटेरियस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ऑलमोस्ट ऑल साइंस ही आए हैं, बट यहाँ पे एरीज लियो सजिटेरियस ज़्यादा आया है. एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे जो दूसरा साइन दिख रहा है डोमिनेंट, दैट इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब ये दोनों साथ में आए थे, रिलेशनशिप में आए थे, या फिर एक दूसरे के साथ इनकी बातचीत शुरू हुई थी, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हुआ होगा. और इनको ऐसा लगा होगा कि जैसे ये अलग नहीं हो सकते, एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक अलग सा इनको अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए. बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से छुपाई जा रही हैं. मे बी थर्ड पार्टी इनसे चीज़ें छुपा रही है, ये थर्ड पार्टी से चीज़ें छुपा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि क्लैरिटी नहीं है और ये पर्सन भी क्लैरिटी चाहते हैं, वहाँ पे थर्ड पार्टी भी चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो क्लियर हो. यहाँ पे क्लैरिटी की मुझे बहुत कमी दिख रही है गाइज. एंड मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि जैसे थर्ड पार्टी और इनके बीच में कुछ ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कोई ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बन रही है, या फिर कुछ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं. एंड कभी तो इनको ऐसा फील होता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और कभी इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. मुझे लग रहा है अभी इनका बहुत प्रॉब्लम है, जब ये रिलेशनशिप में आए थे या फिर दोनों साथ में इन्होंने रहने का सोचा था, ये शुरू शुरू में इनकी बातचीत शुरू हुई होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि
चीज़ें बहुत अच्छी गई होंगी, और थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है इनकी फैमिली भी है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या फिर आप मैरिड हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड इनके जो बच्चा है, जो इनका जो भी बेबी है या कोई चाइल्ड है इनका, तो मुझे लग रहा है कि उसके कारण भी जो है ये उस रिलेशनशिप में रुके हुए हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं है या नहीं हो तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जैसे अपनी फैमिली को छोड़ कर आना चाहते हैं, या फिर अपनी थर्ड पार्टी से बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही हैं, क्लैरिटी नहीं है रिश्ते के अंदर, मन उदास रहता है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कोई एक दूसरे से मन खोल कर बात ही नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। एफर्ट्स जो भी किए जा रहे हैं इनके रिलेशनशिप में वो सही जगह पे हो ही नहीं रहे हैं। बातचीत होने की कोशिश होती है बट फिर भी बातचीत सही से नहीं हो पाती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है थर्ड पार्टी के पास या जिसके साथ आपके पर्सन हैं वो, या फिर आपके पर्सन, मुझे यहाँ पे इनके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा दिख रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। बहुत सारी ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास या फिर थर्ड पार्टी के पास। चीज़ें इतनी अच्छी नहीं चल रही हैं और इनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है। इनको कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं कैसे जंजाल में फंस गया हूँ, ना वहाँ पर उसको छोड़ा जा रहा है ना फिर आपके साथ रहा जा रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन भी है इनके साथ। तो होप है कि निकलेंगे बट रास्ता नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। सब चीज़ें सब जगह से ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, स्टक हो गए हैं जैसे। ये देखिए इसके हाथ में आपको जंजीरें दिख रही हैं, आसपास वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके कुछ अच्छे कर्म हैं, इन्होंने कुछ अच्छी डीड्स करे हैं, तो वो इनके सामने आएंगी और इस ब्लॉकेजेस से ये बाहर निकलेंगे। ब्रेकअप इन दोनों के बीच में, जैसे कि अभी फ़िलहाल मुझे ब्रेकअप हुआ हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मुझे दिख रहा है। इनके बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। चीज़ें समझ में नहीं आती हैं एक दूसरे को, कि जैसे ये कुछ कहते हैं वो कुछ समझ लेते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा इमोशंस मैं देख पा रही हूँ, जैसे बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके पर्सन हो जाते हो, क्योंकि एक होता है ना कि इतना कन्फ्यूजन आ जाता है कि क्या किया जाए, मजबूरी जैसे हो इंसान की कि ना चाहकर भी वहाँ रहना है। बट इनके बीच में भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चल रही हैं, बस मुझे लग रहा है बच्चे के कारण, या फिर उनकी, अगर बच्चा नहीं है, ये पर्सन मैरिड नहीं है, तो या तो इनकी फैमिली के कारण वो रुके हुए हैं, उनके कारण वो चीज़ें समझ रहे हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थर्ड पार्टी और इनके बीच में इतनी अच्छी नहीं चल रही, और मुझे ऐसा लग रहा है ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी हैं, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत छुपन छुपाई चल रही है, बहुत सीक्रेट बातें इन्होंने अपने मन में रखी हुई हैं, उन्होंने रखी हुई हैं, कि एक दूसरे को वो नहीं बता रहे हैं। बहुत झूठ चल रहा है इन दोनों के बीच में। ऐसी सिचुएशन में मैं देख रही हूँ ये सब चीज़ें जो है थर्ड पार्टी और इनके बीच में चल रही। हो सकता है बहुत सारे लोग आपस में बात भी नहीं कर रहे, अगर ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो ये थर्ड पार्टी से बात भी नहीं कर रहे हों, जैसे ऐसा भी सिचुएशन मुझे दिख रहा है। हेल्थ इश्यूज भी मुझे इस पर्सन पे दिख रहे हैं, या फिर इनके रिलेशनशिप को भी किसी की जैसे कोई बुरी नज़र लग गई हो, या फिर किसी ने, कहते ना मे बी आपने कभी गलती से बोल दिया हो कि तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा तुम्हें भी मिलेगा, तो शायद वो फेस कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। और इनको अब आपकी बातें भी रियलाइज़ हो रही है, और इनको रिग्रेट भी हो रहा है कि क्यों ये इस पर्सन के साथ आए, ये कार्ड रिग्रेट भी दिखाता है गाइस। बहुत कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, झूठ चल रहा है, स्टक है ये पर्सन, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है। स्टार्टिंग में ये पर्सन को बहुत अच्छा लगा होगा उनके साथ, अभी भी हो सकता है, कभी कभी ये ना चाहते हुए भी लड़ते हैं बट एक बारी फिर साथ आ जाते हैं। बट अब जो सिचुएशन चल रही है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही, सारे ही ऑलमोस्ट कार्ड्स इस तरीके के आए हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस मैसेज भी पिक करूँगी। यहाँ पे मैं दो टेक्स रखूँगी, आपको जो सा टेक्स से इंक्लिनेशन फील हो रहा है आप वो वाला टेक को चूज़ कर सकते हैं। डेक नंबर वन, डेक नंबर टू।
जौन सा भी डेक आपको लग रहा है इसमें आपका गाइडेंस मैसेज होगा, दोनों डेक में से कोई भी एक डेक को चूज कर लीजिए, 1 और 2। आंखें बंद करिए, लंबी सांस लीजिए और दोनों डेक में से एक डेक को चूज कर लीजिए। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। मैं फर्स्ट डेक से शुरू कर रही हूँ। आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज आ रहा है गॉड की तरफ से, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी का हमारा आज का टॉपिक था, और अगर आप जानना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ क्या है, कैसे है, कि इनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि ये जानना चाह रहे हो कि पता नहीं ये दोनों साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा इनके बीच में, तो मुझे यहाँ पर ये मैसेज आया है कि इस सिचुएशन से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, और ये दोनों जो पर्सन हैं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन अगर इन्वॉल्व हैं तो इस सिचुएशन से कुछ भी नहीं निकलेगा। ओके, कुछ भी नहीं निकलने वाला इस सिचुएशन के अंदर से, और जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे बेकार ही जाने वाला है। दूसरा मैसेज, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हो सकता है कि आपको भी कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़े, शायद ये पर्सन आपके पास आए और तब आपको काफ़ी बातें समझने की ज़रूरत हो, क्योंकि अब जब आपको पता है कि वो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैं या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसी भी चीज़ें हो रही हैं और अभी आपके पास आए, तो हो सकता है आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएँ उस तरीके से, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन के साथ आप रहें, आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये मैसेज इनके लिए भी हो सकता है कि इनके बीच में चीज़ें नहीं हो रही हैं क्योंकि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, इसी पर्सन के बारे में दिन रात आप सोचे जा रहे हैं एंड आप कुछ नहीं कर पा रहे। आई फील आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आप अभी फ़िलहाल जाने दीजिए, जो हो रहा है ना उसको होने दीजिए। उनके लिए भी लेसन है और आपके लिए भी काफ़ी चीज़ों का लेसन आपको भी सीखना है। अगर आप नहीं सीखेंगे जो आपको भगवान बता रहे हैं तो बार बार ये आपके साथ होता रहेगा, फिर से वही चीज़ें होती रहेंगी। हम कुछ लोग बोलते हैं ना कि बार बार मैं क्यों हर्ट होता हूँ या मैं क्यों हर्ट होती हूँ, मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है, हर रिलेशनशिप मेरा फेल होता है, क्योंकि आप लेसन नहीं सीखते हो। जो आपका नंबर वन का रिलेशनशिप था, अगर आपने वो लेसन जो उसमें कुछ बातें हुई, कुछ चीज़ें जो आपको भगवान ने सिखाने की कोशिश करी, अगर आपने तब भी नहीं सीखी हो, फिर से दूसरे रिलेशनशिप में आपने वही चीज़ें करी, तो आपको फिर से वही चीज़ फेस करनी पड़ेगी। इसलिए पहले में ही वो चीज़ें सीख जाएं। अगर कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरे में उस चीज़ का ध्यान रखें। किसी भी तरीके से जो आपकी प्रॉब्लम फर्स्ट में आई है उसको सेकंड में रिपीट नहीं होने दें। ओके, ये आपने करना है। ओके, जिन भी लोगों ने ये डेक चूज़ किया था उनके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। इसके बाद लास्ट में मैं लव मैसेजेस भी पिक करूंगी आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं पर्सन, आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो क्या हैं। उससे पहले एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है उनको आप गाइडेंस दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। काली माँ, फेसिंग फियर, ब्यूटिफुल, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। गाइज, यू हैव टू फेस योर फियर्स। जो भी डर है, आपको जो भी डर रोक रहा है, सता रहा है, फेस कीजिए, क्योंकि एक बात याद रखिए, जिस भी चीज़ से हम भागते हैं वही चीज़ हमारे सामने आगे आकर खड़ी होती है। आप ये बात मेरी आजमा के देख लीजिएगा। जिस भी चीज़ से हम भागेंगे, नहीं नहीं मुझे डर लग रहा है, वो मुझे छोड़ देगा, मुझे ऐसे कर देगा, वो वही करता रहेगा और उस डर का फायदा उठाएगा। फेस इट, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देगा ना, कोई बात नहीं, आप मर तो नहीं जाएंगे ना उस चीज़ से। फेस कीजिए, क्या पता ऐसा हो ही नहीं, क्या पता वो ही डर जाए कि आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं। तो फेस करना पड़ेगा आपको, उस फियर को फेस कीजिए
और अगर आप डरेंगे और उसके पीछे भागेंगे तो क्या वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता? वो छोड़ के तो तभी भी जा सकता है। इसलिए डरना नहीं है, फेस कीजिए, ओके? यू हैव टू फेस योर फियर्स। दूसरा मैसेज प्लीज, थैंक यू। डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट। देखिए इसमें भी वही चीज आई है, जो आपको ठीक लगता है सही है वो करिए। आपको कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिल रहा है, आगे भी मिलने वाला है, इसलिए आंखें खुली रखिए और जो आपको ठीक लग रहा है, आपके मन को ठीक लग रहा है, आपने वो करना है गाइज, ओके? इसलिए देखिए आपके मन को क्या ठीक लग रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपका सोल आपसे क्या कह रहा है, भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। कुछ लेसन्स आप बार बार रिपीट आपकी लाइफ में इसीलिए ही आपको सीखने को आ रहे हैं क्योंकि आप पहली बारी में वो नहीं सीख रहे हैं। प्लीज़ देखिए ऐसा क्या है। ओके, अब हम लव मैसेजेस देखेंगे, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या कुछ लव मैसेजेस हैं, हैंड रिटन लव मैसेजेस देखेंगे हम लव डेक से। जो मैसेजेस नीचे गिरेंगे वही मैं लूँगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो नीचे गिरा है, आई थिंक एक होगा, नॉट टू फाइंड इट, कोई बात नहीं, उसको नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, वी नीड टू क्लियर द एयर बाय ऑनेस्टी, आई थिंक वी शुड टॉक। इनको आपसे बात करनी है, जैसे ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको किसी ने बोली हैं, शायद सच नहीं हो या फिर सच हो भी, इनको भी कुछ बातें ऐसी पता चली हैं आपके बारे में, है ना? तो आई फील जैसे आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है और इनको ऐसा लगता है। बहुत सारी बातें आपके मन में भरी गई हैं इनके अगेंस्ट या उनके मन में आपके अगेंस्ट भरी गई हैं, तो उसको हमें बात करने की ज़रूरत है, ऐसा इनको लगता है। पहला मैसेज ये आया है। दूसरा मैसेज यहाँ पे, इट सीम्स लाइक यू आर बिजी विद समवन एल्स बट आई एम इररिप्लेसेबल। इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ बिजी हैं, किसी और के साथ टच में हैं, मूव ऑन हो चुके हैं, किसी और से बातें करते हैं, तो ये आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं इररिप्लेसेबल हूँ, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता तुम्हारी लाइफ में, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया कोई नहीं कर सकता। आई ट्राई टू स्टॉप दीज फीलिंग्स बट यू आर बर्निंग ब्राइटर विदिन मी। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि आपके बारे में सोचना बंद करें, आपके बारे में नहीं सोचें, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, अब ये पछता रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ये नहीं निकल पा रहे, फिर से बैक टू स्क्वायर वन जैसे ऐसा हो गया है इनकी लाइफ। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, जब लोग आपकी बातें करते हैं तो ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा हो सकता है, लगता होगा कि जैसे इन्हीं की गलती है, तो ये चुप हो जाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ओके, लास्ट टू मैसेजेस फॉर, ओके, सेकेंड लास्ट इज फोन कॉल। कॉल आ सकता है इनको, आपको इनका, ठीक है, कोई कॉल करने का ये बहुत बड़ी जैसे सोच रहे हो या फिर कॉल कर सकते हैं आपको, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। फ़ोन कॉल इनकी तरफ से आ सकता है आपको, जिसमें कुछ प्यारी बातें ये कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, या फिर आपको इनकी तरफ से कुछ इमोशंस जैसे फील हो सकते हैं कि हाँ आप सोचेगा अपने मन को जैसे, और इंट्यूशन को, अगर आपकी इंट्यूशन बहुत समय से कह रही है कि कॉल आने वाला कॉल, तो हो सकता है इनका कॉल भी आपको बहुत जल्द आएगा, पर आपने ना जैसे इनके कॉल आएगा भी तो अच्छे से ही बात करनी है और फील करना है, या फिर सोचने की कोशिश करनी है कि ये किस वजह से इन्होंने कॉल किया, या आपको कॉल क्यों कर रहे हैं, और करा भी है तो इनका मन क्या कह रहा है, जो वो बात करेंगे आपसे, तो उसमें आप डीपर लेवल पे सोचिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा इनके इमोशंस क्या कह रहे हैं। आई कांट फॉरगेट नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, ये आपको नहीं बुला सकते हैं, आपको ऐसा बोल रहे हैं, चाहिए कितनी भी कोशिश कर लें पर नहीं हो रहा है इनसे, कुछ भी कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कितना भी ट्राई कर लें नहीं निकल पा रहे। ओके गाइस, सो दिस वाज इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलेगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई नो लॉकडाउन की सिचुएशन है एंड बहुत सारे लोग जो हैं रीडिंग्स कराना चाह रहे हैं बट नहीं करा पा रहे हैं, उसके लिए स्पेशल लॉकडाउन डिस्काउंट्स हैं। अगर आप चाहें और अगर आपका मन है, आपको रीडिंग करानी है, कोई गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, अगर आप कोई क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं
क्या उसका यूज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम है लव रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं. किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप क्रिस्टल्स का यूज़ करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं. ओके गाइज, सो यू कैन अप्रोच मी फॉर दैट. एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए. मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में. बाय.